हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो आज मॉर्निंग के खाने में बनी आलू गोभी की सब्जी और रोटियाँ। नाश्ता वास्ता करा के मैंने भेज दिया है इनको ऑफिस, और बच्चे भी अभी सोए हुए हैं, तो मैंने फटाफट सारा काम निपटा लिया है घर का। सिर्फ एक रूम बचा हुआ है क्योंकि अभी इस रूम में बच्चे सोए हुए हैं। जब तक बच्चे सोए हुए हैं तो मैं धो रही थी कपड़े, क्योंकि 2 दिन के इकट्ठा हो गए थे कपड़े, तो मैंने फटाफट लगा दी थी मशीन। और कपड़े भी मेरे धुल गए हैं कुछ सुखाने के लिए, बालकनी पे डाल देती हूँ कपड़े। उठने के बाद सीधे बालकनी पे पहुंच गई ना, लेके आसान भी इसको लेना बेटा। अंदर आओ, अंदर आओ, दोनों दीदी अंदर आओ, चलो नाश्ता करो। अभी अभी उठी है दोनों, देखो देखो शैतानी। और दोनों बच्चे भी सोकर उठ गए हैं, और उठने के बाद सीधा नोनी की तो हो गई हैं शैतानियाँ शुरू। तो अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि हाथ मुंह धोकर बच्चे हो गए हैं फ्रेश, और नोनी को तो शैतानियों के अलावा कुछ सोचता नहीं है। तो मैं बना रही थी अभी इनके लिए सैंडविच या ब्रेड लेके चलती हूँ। कहाँ जाओगे? मेरा सारा काम भी खत्म हो गया, बस तुम दोनों को निलाना बाकी है। अभी बच्चे अभी भी सो के उठे हैं, तो अभी मैं बना रही हूँ उनके लिए नाश्ता। सबसे पहले हम करेंगे तवे को अच्छे से गरम, और इधर मैं कर रही हूँ दूध गरम, क्योंकि बच्चों को सुबह मॉर्निंग में मैं देती हूँ दूध के साथ ब्रेड। और अभी अच्छे से हम ब्रेड को ना सेक लेंगे, दोनों साइड में अच्छे से घी लगा लेंगे। तो चलिए बनाते हैं साथ में। तो बच्चों का नाश्ता भी हो गया रेडी, तो अभी मैं जा रही हूँ उनको नाश्ता देने के लिए। तो चलिए चलते हैं। चलो नाश्ता कर लो दोनों बहनें, चलो बैठो बेटा। अभी ना ये गरम है, फिर चाय ना गरम है बेटा। और दोनों बच्चे कर रहे हैं अभी नाश्ता, क्योंकि अभी अभी सो के उठे हैं ये। अब तुम्हारा सो के उठने का 11 बजे का टाइम है, तो तुम लोग खाना कब खाओगे? खाना 2 बजे। 2 बजे? तो गाइस सारा काम, मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। बच्चों को भी मैंने नाश्ता करा दिया है, कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं, और घर का सारा काम निपट चुका है मेरा। बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर बच्चों को नहलाऊंगी, क्योंकि बच्चे अभी अभी उठे हैं, तो जब तक वो लगे हुए हैं अभी टीवी में, तो मैं जाके नहा लेती हूँ। दोनों बहनें नहा ली है, नहाने के बाद नोनी खा रही है कुरकुरे। बेटा बैठ के खा लो। नोनी ने आज पहनी हुई है लड़कियों वाली ड्रेस, शर्म आ गई है। तो शर्म आ रही है बेटा, क्या हो गया इसको? सानवी पूछना क्या हो गया, क्या हो गया, गुस्सा कर गई है, क्या हो गया? मैं भी नहा ली हूँ और बच्चे भी नहा लिए, और नहाने के बाद मैं सीधा आई हूँ किचन में काम करने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था और मुझे बनाना था बच्चों के लिए कुछ खास। तो मैं अभी बना रही थी बच्चों की फरमाइश पे जवे, तो मैं फटाफट से तड़का लगा देती हूँ जवों में। तो चलिए बनाते हैं साथ में फटाफट से जवे। देख तेरे पास चढ़ने की तैयारी, देख देख तो ना आपके ये हैं, वो दीदी को खाने दो, आपके ये वाले हैं, आप इधर आओ, ये तेरे पास ही खाएगी। देरी है ना दीदी, खाओ। गरम है पिट्ठा अभी, ठंडा किया है, ठंडा करा है। अब सबके हाफ ईयरली एग्जाम भी शुरू हो गए, और आगे स्कूल खाना खा के देखो, पैर पे पैर रख के लेटी है मैडम जी। अब सो जाओ तुम दोनों, कपड़े सारे सूख गए हैं। अभी बस पहले बच्चों को कुछ बना के दे दूं, उसके बाद मैं सारे कपड़े फोल्ड करूंगी। दोनों बच्चे भी ना सोकर उठ गए हैं, उठने के बाद देख रहे हैं टीवी, तब तक मैं इनके लिए बना देती हूँ मैगी। अब बनाएंगे हम मैगी।
लो बच्चो मैगी लो खाओ, ठंडी कर लो बेटा थोड़ी सी। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 6:30 और अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और मेरे से पहले ना नोनी बाहर खड़ी हुई है बाहर जाने के लिए, तो थोड़ा इनको पार्क में भी घुमा के ले आऊंगी और थोड़ा सा मेरे को बाहर मार्केट का भी काम है वो भी मैं करके आ जाऊंगी। और नोनी लेकर आई है आइसक्रीम। तूने खा ली अपनी आइसक्रीम? खत्म? कड़वी थी, अच्छी नहीं लगी? ये देख कितने उससे मजे से खा रही है। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 7 और मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने के लिए किचन में, क्योंकि अभी अभी हम लोग लेकर आए थे दूध और मैं ना थक गई थी क्योंकि नोनी ना मेरी गोद में ही गई थी और गोद में ही आई है, तो मैं ना दूर से थोड़ा लेकर आना पड़ता है दूध, तो आते आते ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आज मैं इन लोगों को ना पार्क में नहीं ले गई थी बच्चों को, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और फिर आके खाना भी बनाना था, इसलिए फिर ना मैं बच्चों को पार्क नहीं खिला के लेकर आई हूँ, ऐसे ही घर पे आ गई इनको लेके। बल्कि नोनी तो जिद कर रही थी जाने की, तो मैं अभी कर रही हूँ पूजा। घंटी बजाओ बजाओ, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, चलो हाथ जोड़ो जल्दी से बेटा ना। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल और दूध गर्म करूंगी। पहले मैंने दाल उबलने के लिए रख दी है और अभी तो मुझे बर्तन भी साफ करने हैं, सारे ना सिंक में बर्तन भी पड़े हुए हैं क्योंकि बच्चों के चक्कर में लगी हुई थी ना, तो मैंने बर्तन साफ ही नहीं किए क्योंकि मैं ना थोड़ा सा घर समेटने लग गई थी और थोड़ी सी मैंने आज सफाई भी की है होली की, तो मुझे आज थोड़ा सा टाइम लग गया। इतना ही, तो आज आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा आपको ब्लॉग कितना कैसा लगता है और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके बाय बाय।